महारानी के लिए उपहार लाए हैं। महारानी का उपहार ये निकला, हीरो का हार मेरा। ओह हाँ, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू व्लॉग। सुबह सुबह मैडम मुझसे लड़ रही हैं, देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। ये घर से देखो स्कूल जा रहे हैं, पापा और मूड खराब करके जा रहे हैं। पापा क्या कह रहे हैं? पापा ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सुबह सुबह जो गुड मॉर्निंग स्टार्ट होती है सिर्फ इतने में ही आता। मम्मी कह रही तुम इतने में ही बहुत हो। क्या करें, अब सुबह 7 बजे निकलेंगे, शाम को 5 बजे घुसेंगे, 4:30-5 बजे। हम जब सो के जगते हैं तो जब मैं सुबह सुबह चाय में और खाने में लग जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ब्लॉग की शुरुआत कर लो, तो कहेंगे मेरे बाल सही नहीं है, मैं नहाया नहीं हूँ, मेरी दाढ़ी बढ़ रही है। तो फिर अब इसका क्या ऑप्शन है? सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक तो हम बिजी रहेंगे, बाकी शाम को हम एंजॉय करेंगे, तभी आपसे बात करेंगे। स्कूटी की चाय मंगवाओ बेटा, स्कूटी की चाबी देना, ले ये ले जा। पापा को नीचे आके याद आती है चाबी ले आओ गाड़ी की, मोटरसाइकिल की चाबी है, मोटरसाइकिल की तब मैं वापस ले आऊंगी चाबी। दिखाती हूँ मैं सब लोगों को, देखे लाइट जलाओ पहले तो, और ये देखो ये कल कपड़े धोए थे तो शाम को तय नहीं हुए हैं, शाम को हम फंक्शन में चले गए और जो पहन के गए थे वो भी ऐसी पड़े हैं। ये लोग स्कूल चले जाएंगे फिर मुझे सफाई करनी है, सो के उठे हैं कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी ऐसी घूम रही हूँ और ऐसी घूमती रहूँगी। ये देखो सब पड़ा है और प्रेरित गया है नहाने, और देखो मेरी इसकी शक्ल मिलती है। हाँ यार मिलती है, कलर मिलता है। निकल गिफ्ट में बोतल मिली है 1 लीटर की, ये आधे लीटर की, ये आधे लीटर की 400 ml की। हाँ बताने 600 ml की, ये इतनी बड़ी बोतल। सुन तो हाँ, ये जब मैं देती हूँ तो ये इतना सा पानी पीकर आता है और इतनी पूरी भर के लेकर आता है। हाँ पता है, और इस भाई साहब ने ये वाला पानी पूरा से पलटा है और ये पूरी नहीं भरी तो इसमें से पलटा है पूरा पानी, और ये 1 लीटर। कितना पानी पियोगे तुम? हम पी लेंगे अब जितना पीना है। प्रेरित इसका वजन देख, सब पता देख, ये कितनी भारी और क्लियर दिख रही है कि कितनी बड़ी बोतल, तुम्हारे लेवल की नहीं है ये। अगर तुझे ले जानी है तो इसमें इतना पानी ले जाना, ठीक है। कितना भारी हो जाएगा, खाल पकड़ के तो देख इसे। देख भाई प्रेत बहुत भारी है सच में। जितना तेरे सारी किताब का भी उतनी ही अकेली है। निकलती हूँ मैं, ठीक है बेटा, बाय बाय। इसको मैं नाश्ता दे दूँ। तो ये हो गया प्रेरित का लंच और बोतल रेडी, इतनी बड़ी बोतल ले जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा। ले प्रेरित यहाँ रख दूँ, ये रही तेरी बोतल और ये रहा तेरा लंच, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे इस रूम की सफाई पहले, क्योंकि ये रूम मुझे ज़्यादा ख़राब लग रहा है, पहले इस रूम को सेट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले गाने चलाते हैं। यहाँ तेरा कोई चूहा वूआ नहीं आ रहा, हम तो मैं हमें ले काम और बढ़ाता है। ले से स्टोर में रख, बैग ज़्यादा भारी तो नहीं है? नहीं है भारी, तेरे उठाने से ही पता चल रहा बेटा। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और मैंने जो आपसे कहा था कि पहले मैं उस रूम की सफाई करूंगी जिसमें बहुत सारे कपड़े पड़े हैं यानी कि बच्चों के रूम के, वो मैंने नहीं किए हैं। ये कमरा साफ़ कर दिया और लॉबी साफ़ कर दी। इस कमरे में टाइम लगेगा, और पता नहीं क्या हुआ कि प्रेरित के जाने के बाद अचानक मेरे सिर में दर्द उठा, और वो उस समय बहुत तेज़ था, फिर धीमे होता गया, मैंने सफाई कर दी। तो अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं चाय नाश्ता कर लूँ, क्योंकि अगर और दर्द होता है तो पहले मैं एक टैबलेट खा लूँगी उसके बाद इस कमरे की सफाई करूँगी। तो एटलीस्ट वो कमरा और लॉबी साफ़ हो गई बैठने के लिए, अगर नहीं हो पाया तो इस कमरे की किवाड़ लगा देंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, लेकिन हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो फ़िलहाल चलते हैं नाश्ता करने, और आज मैं नाश्ते में खाने वाली हूँ कोई परांठा या फैन पापे नहीं, मैं खाने वाली हूँ इसमें से खस्ता लड्डू, जो कि कल हम लोग जिस शादी में गए थे, जिस महिला संगीत में गए थे, वहाँ से मिले हैं। तो अभी तक इसमें से किसी ने नहीं खाया, बस सर मिठाई ले गए हैं। तो मुझे सिर्फ खस्ता लड्डू पसंद है, मिठाई से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। तो मैं खाऊंगी खस्ता लड्डू, मैं बार बार खस्ता लड्डू बोल रही हूँ, जो कि मुझे खस्ता लड्डू नहीं खाने, खस्ता या मठरी खानी है। और बस मेरी चाय तैयार, तो चाय लेते हैं और ये लेते हैं खस्ता, हम नाश्ता करते हैं। सब जगह की लाइट जला रखी है मैंने, तो सबसे पहले तो लाइट बंद करते हैं, यहाँ की कर दी, किचन की करते हैं। और इस रूम में हमने लगा रखे हैं 3 लाइट,
एक ये है 9 बाट का बलफ, ये है 23 बाट का बलफ, और वो भी है शायद 9 बाट की रॉड, शायद 9 की है या 18 की है, मुझे कंफर्म नहीं पता। तो हम जलाएंगे इसको, बंद करते हैं बड़ी वाली को और छोटी वाली जला लेते हैं नॉर्मल रोशनी। तो फ्रेंड्स अभी बजे हैं दोपहर के 12:15, सभ्यता के आने का टाइम हो रहा है, तो मैंने सभ्यता के लिए पुलाव बनाने रख दिए हैं। आज मेरा भी चावल खाने का मन हो रहा था, एक दो दिन पहले बनाए थे लेकिन उस दिन हमने नहीं खाए थे, हम कहीं गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ गए थे, अभी कल परसों की बात है। और मैं आपको दिखाती हूँ, और देखिए ये रूम भी मैंने कर दिया साफ, और इस रूम को साफ़ करवाने में मेरी आज हेल्प की मेरी लखनऊ वाली दीदी ने। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे लखनऊ से दीदी ने कैसे हेल्प की। तो हेल्प ऐसे हुई कि उन्होंने मुझसे 1.5 घंटा फ़ोन पे बात करी और 1.5 घंटे में पूरा रूम साफ़ हुआ, सारी चीज़ें जगह पे पहुंचाई मैंने। हम लोग जब सफाई करते हैं, स्पेशली मैं जब सफाई करती हूँ, तो मुझे चाहिए होते हैं कि या तो मेरे पास म्यूजिक चल रहा हो तो मैं काम कर सकती हूँ, या मैं किसी से बात कर रही हूँ तो काम कर सकती हूँ। तो ये हुआ कि दीदी का फ़ोन आ गया, मैंने हेडफोन लगाया और दीदी से बात करती रही, काम करती रही, पता ही नहीं चला कब काम हो गया। अब मैं नहा भी ली हूँ, सभ्यता के लिए मैंने लंच के लिए भी तैयारी कर दी है, बस सभ्यता के आने का वेट है, 10-15 मिनट में सभ्यता आ जाएगी, जब तक पुलाव बन जाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। क्या है मम्मी ये खाना? अच्छा नहीं, खाने में क्या है? खाना, खाने में खाना है। तो आपको नहीं पता आपने जो बनाया वो क्या है? ठीक है, मेरे पता नहीं क्यों यार सिर में दर्द बढ़ता जा रहा है, अब मतलब अब थोड़ा ऐसा होगा, अभी तक तो मेरा चेहरे पे इतना हुआ नहीं। तो खाना खाओ, सो जाओ, नींद तो नहीं आ रही, ये चीज दिमाग लग रही है, ये लग रही है बहुत एकदम से। दवाई खा लेना। वो मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने बिना दवाई के बहुत समय निकाल दिया, अब खाने पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये वाला बिस्किट बना कर रहा है भैया, ये हल्का सा गर्म हो रहा है तो लग रहा है कि इसको बुखार आ सकता है। तो गाइस देखो इसने क्या कराया है, मैजिक आजी ये ट्रे और ये वाली प्लेट पकड़ के ऐसे करके जा रही थी, और इसने अपना घुटना ऐसे करके मार दिया और प्लेट उछल के देखो सारा चूरा इस पे गिर गया, ये है मठरी का। और मम्मी देखो वह कोने में जाके बैठ गई कि करो तुम दोनों सफाई, और दोनों नहीं, नाम तो सिर्फ मेरा आया कि मैं तो नीचे बैठ रही हूँ, कर गो की तू सफाई। वो बीमार है इसलिए नहीं कह रही। तो वो बीमार है तो वो काम कर रहा खराब करेगा, और ये लड़का हिल पता नहीं कैसे हिल रहा है। अब ये जहाँ गंदगी हो रही है ना, ये वही लेवरा से मार रहा है, और मुझे इसे देख के कितनी तेज गुस्सा आ रही होते। हेलो गाइस, गुड इवनिंग यार, किसने कहा था ये लाने के लिए तुमसे? लॉकी रख दी इन्होंने जबरदस्ती, इसे क्या बुखार आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा था। एक चीज याद आई पैसे देख के, तुम इससे पटाखे लाने वाले थे? मेरा बैग लेके आओ, ला संतरी मेरा बैग लेके आओ, दरबार में पेश करो, महारानी के लिए उपहार लाए हैं, महारानी का उपहार। ये निकला हीरो का हार मेरा। ओह हाँ, तो आज लाए हैं हम मैडम के लिए वो उपहार जिसको देख के मैडम खिलखिला जाती है। हम आज लाए हैं मैडम के लिए वो उपहार जिसे देखकर मैडम पाता है हम पर बहुत सारा प्यार, क्योंकि हम जब लाते हैं जूस की बोतल तो उसमें लिख रहा है कहीं देख देख के बोल रहे हो, हो जाता है हाइपर पार। हाँ है ना, और मैडम का हो जाता है हाइपर पार, और फिर वो हम पे करती हैं अत्याचार। वाह 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 वाह, पूरी तो मैंने करी। वाह वाह वाह, क्या थैंक यू, सब बट जाएगा। ये आदत होती है मम्मी की, अकेले नहीं खाएंगी, गाइस मैं मीठा खा लूं। पापा दूसरा मिल जाएगा ना किचन में? बड़ी मुश्किल से तो मैं कभी नहीं मीठा खाने बैठती हूं, एक दूसरा मिल जाएगा। बहू मैं ही ले ले रहा हूं, मैं ही ले ले रहा हूं। मैडम करीज किचन की सफाई कर रही है और खाना भी बना रही है भाई। है किचन की सफाई एक बार मैं करूंगी पूरी रात में साफ करके, पहले बच्चों को खाना दे। मुझे लग रहा है शायद बसमा पराठे बनने हैं रात के टाइम में, सर्दी में तो ऐसे ही हुआ करेगा। अभी कहीं नहीं थी मैंने खा रहा आज खाना, हमें तो खाऊंगा ही नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है फिर? तो बड़ा बूढ़ा क्या मैं ही हो गया? तुम बड़ी बूढ़ी नहीं हो यार, वाह। मैं तो नहीं हूँ, किसी से भी पूछ लो, आप लोग बताना मैं बड़ी बूढ़ी हूँ नहीं हूँ ना, तो मैं भी नहीं हूँ। जैसे बच्चे होड़ करते हैं, तेर पे ही है तो मेरे पे भी ये होना चाहिए। जिदे मेरी, अब तू बड़ी बड़ी नहीं, मैं भी बड़ा बूढ़ा। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो जब हो जाऊंगी तब भी नहीं हूँ।
चलो खाना खाओ, खाने का टाइम हो गया। तो अब रात के बज रहे हैं 9:40 और हम सोएंगे तो नहीं, क्योंकि अभी मुझे दोनों चीज़ वीडियो एडिट करनी है। मैडम ये अपना किचन का काम खत्म करके आ गई हैं शायद, आई थिंक फ्री होके आई है ना, बस दूध देना रह गया सबको। और तुम्हें मेरा फ़ोन चाहिए होगा, तुम्हारी निगाह मेरे फ़ोन पे टिकी होंगी ना, ये गलती सुधारो। अच्छा अच्छा, तुम्हारे फोन पर नहीं, तुम मेरा फोन लेके बैठे हो। हमारा लड़का अभी भी उधर अकेला पढ़ रहा है, बेटी तो यहाँ आ गई पढ़ पढ़ा के अपने मस्ती करने। नहीं मैं पढ़ने ही जाऊंगी, दूध लेने आई हूँ मैं। हाँ ना कमरा में दूध रखा है, दूध हम नहीं ये नहीं है दूध देगा फोन भैंस नहीं मेरा कहने मतलब आप लोग खुद देखो मैं कितना सहन करती हूँ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानते। इसने ये पूछा कि दूध देता कौन है मेरी भैंस, उसने मेरी तरफ उंगली मैंने मम्मी की तरफ करी थी, दूध देता कौन है, मम्मी दूध देंगी तभी तो मैं लूंगी, मैं यहाँ आई थी इसलिए मम्मी से। मैं तो एक जनरल नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दिया, दूध देता तो गाय भी देती है। हाँ तो गाय नहीं, अब दूध तो बकरी भी देती है। पापा ने साइज के हिसाब से बोला फिर है ना, साइज के हिसाब से बोला, अब बोलते नहीं है चुप रहो। मैं तो बच जाऊंगा थूक पिटी नहीं मैं पापा का लोग नॉलेज उतार रही दोस्तों। आज इस ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपको हमारे आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।